अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। और 7:11 हो चुका है। देखो अपना ऐप है ना, ऑनलाइन हो गया है। 7:11 और मैं इस वक्त जो हूँ ना वो खारघर में, और भाई लोग देख रहे हैं आप लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो हमेशा आप लोग बोलते हैं कि यार काम पता नहीं कितना हो रहा है, क्या बचा रहे हैं आप? तो बचाना बचाना तो छोड़ो, क्या बचाता है, क्या खाता है आदमी, वो सब पर्सनल में ज़्यादा जाने का नहीं। कुछ भाई लोग पूछते हैं भाई आप क्या बचा रहे हो, तो बचाने बचाने का नहीं पूछने का, ठीक है? चश्मा देख रहे हो आज, थोड़ा सा लुक अपना अलग दिख रहा होगा ना। तो ये देखो भाई हंस रहा है जुनेद। तो हम लोग है ना, देखो ये जो बैठा है इधर आमिर, ये मेरा भाई है और ये हमारे दोस्त है। मतलब हमेशा इधर हम लोग, ये ना अड्डा है अपना, थोड़ा सा यहाँ पे कभी कभी हम लोग बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बैठते, लेकिन जब भी मौका मिलता है संडे वनडे को तो यहाँ पे हम लोग 10-15 मिनट या जो भी है बैठ जाते हैं, और फिर एक एक करके बुकिंग लेके निकलते रहते हैं। बट कभी कभी है ना झुंड बनाने में, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, झुंड बनाने के चक्कर में और झुंड हो जाता है, फिर बुकिंग नहीं मिलती। देखो वहीं पे वो जो अपनी रेगुलर जगह है ना, वहीं पे हूँ मैं खारघर में, ठीक है? तो अभी इन लोग से अपन है ना बात करेंगे, दोनों भाई से, कि कितना का अर्निंग अभी अभी है ना, 2-4 दिन से, 5 दिन से मद्दी भी चल रही है जब से गणपति का सीज़न गया है, ठीक है? तो वो इन लोग से अपन पूछेंगे कि भाई कितना काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ जुनेद बताओ, ज़रा बताना, आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। कितना मतलब तुम डेली अर्निंग कर लेते हो? अभी तो फिलहाल 2,250 हो रहा है। 2,250? तो यार पहले तो तुम बहुत अच्छा करते थे ऐसा। तो अभी धंधा ही नहीं है तो क्या करेंगे। 2,500 होता है ना? मतलब 2,500 आ जाता है, कभी 3,000 भी हो जाता है। मतलब 2,500 का लेवल पकड़ के चलो इतना होता है। 2,500 का अभी फिलहाल में गणपति की वजह से, मतलब गणपति का सीजन जब से गया है तब से, ठीक है। आमिर तू कितना कर रहा है? अपना भी वही है, अपना 2,500 हो रहा है। 2,500 संडे में होता था आराम से 4,000 का, लेकिन अभी अभी 3,000 का ही हो रहा है। 6 बजे से बैठे हैं अभी तक कुछ भी नहीं है। अच्छा सुबह 9-9 बजे तक बैठे। ये खारघर का मतलब लफड़ा है क्या कुछ, थोड़ा सा ऐसा खारघर का ना? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मसला रहता है, सैटरडे संडे को मॉर्निंग में बुकिंग कम रहती है। जैसे मेरे को भी लगभग 15 मिनट हो गया ऑनलाइन होके, और इन लोग, ये जुनेद भाई तुम कब से बैठे यहाँ पे? 6 बजे से। अगर अपनी गाड़ी लेगा बंदा तो कम से कम कितना अर्निंग कर सकता है, मतलब CNG निकाल के? 3,000-4,000। नहीं नहीं, CNG निकाल के कितना कमा सकता है? CNG निकाल के वही अपना 2,000-2,500 बचा लेगा रेगुलर। अगर इसको अपन जैसे जैसे कॉमन करते हैं, माना किसी कोई महीने 2,500 के हिसाब से अर्निंग होती है, और कोई महीना अपना ऐसे भी जाता है कि 3,000 अर्निंग हो गई है, तो 3,500 भी होती है। तो आप ये बताओ, रेगुलर अगर अपन 2,500 भी पकड़ते हैं, बराबर 2,500 की अर्निंग पूरे साल की पकड़ लेते हैं, हर महीना 2,500 अर्निंग बराबर डेली के हिसाब से, तो इसमें CNG कितनी जाती है? वही मिनिमम कभी 1,000 की, कभी 700, कभी 800। यार हजार, हजार के अंदर में ही रहता है। 1,000 की 3,000 कम में होती है। 1,000 में, हाँ मतलब 1,000 की CNG 3,000 की अर्निंग करके देती है, तो 2,500 में लगभग 700-750 तो 750 की CNG निकालेंगे तो 1,700-1,800 रुपया होता है बराबर। तो गाइस देखो, 1,800 रुपया अर्निंग आपका, मतलब पूरे साल के हिसाब से, डेली के हिसाब से पूरे साल, पूरे ईयर का पकड़ेंगे आप तो 2,500 रुपये का अर्निंग होता है, उसमें 700 रुपये का CNG जाता है, 1,700-1,800 रुपये अपने को जो है ना वो मिल जाता है। सोचो आप, अगर आप लोग 200-300 रुपये भी गाड़ी का मेंटेनेंस में डालेंगे, ये लोग कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं जो जूनी है अपने पास, जो लोन फ्री है बराबर। नया वाला वैगनार जो है उसमें 3,000 का अर्निंग हो रहा है आजकल, 700-800 रुपये की CNG में बराबर, है ना आमिर? 800 वो कैफ कर रहा है ना अपनी नई वाली गाड़ी पे। 800 हाँ, वो 3,000 की अर्निंग डेली अभी भी मार के ला रहा है, और 700-800 रुपये की CNG वो गाड़ी में जाती है। तो ये नया वाला गाड़ी देखो, एक जुनेद भाई का ये है वाइट वाली, और ये इसका आमिर की, ये चॉकलेटी वाली है। तो ऐसे है ना, ऐसे ये दोनों गाड़ी पे लोग 2,500 का एवरेज अपने को बता रहे, और जिसमें से 700 रुपये की CNG 1,700-1,800 रुपये प्रॉफिट होता है। अब किधर की आई और लेट भी बुकिंग जो है ना वो गाइस मिल जाती है। तो ऐसे अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करते 1,700-1,800 को, तो ये जाके बैठेगा 50,000 के ऊपर, ठीक है? 50,000 का प्रॉफिट एक फ्री गाड़ी में, 2,250,000 रुपए की आप लोग गाड़ी लेंगे उसमें आप लोगों को 50,000 का प्रॉफिट होता है, तो बहुत अच्छा है ना। एक 10-15-20,000 की नौकरी की तरह कहीं और करेंगे आप, यहाँ पे आराम से काम कर लेंगे, ठीक है? तो
ठीक है गाइज, अभी ना ये आप लोगों का रिव्यू दे दिया है मैंने, अभी आप लोगों की को मैं आगे की बात दिन भर में कितना काम करेंगे क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में एंड वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती रहे। देखो देखो है ना, अपनी है ना तीन बुकिंग हो गई है कंप्लीट। उबर में एक जिसमें 279 का अपना अर्निंग बना है 22 किलोमीटर और ओला में 770, ऐसे तीन बुकिंग है ना अपनी हो गई है कंप्लीट। और अभी मैं ना इस वक्त चेंबूर में हूँ, चेंबूर में और लगभग चेंबूर में 15 से 20 मिनट हो गया, कोई बुकिंग नहीं आई है, आ रही थी नज़दीक नज़दीक की तो मैंने लिया नहीं। ठीक है, अभी जो है ना टाइम जो है ना वो 12:28 हो चुका है चेंबूर में, और यहाँ से कोई जैसी अच्छी बुकिंग आएगी संडे की वजह से, एक्चुअली संडे में थोड़ा सा लेट धंधा स्टार्ट होता है, बट टाइम हो चुका है उस हिसाब से भी थोड़ा सा कम बुकिंग लग रही है। आई थी एक दो लोअर परेल तो मैंने नहीं लिया, एक एयरपोर्ट की आई थी, एयरपोर्ट पे भी जाके बैठना पड़ता है तो वहाँ के भी मैंने फिर नहीं लिया फाइनली, और अभी देखते हैं कहाँ की आती है, बताएंगे आपको। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो। और खारघर में भी मुझे 9 बजे बुकिंग लगी है, ठीक है, ये 3 घंटे में 3 बुकिंग कंप्लीट किया मैंने फटाफट, पहली थाना और थाने से कांदिवली और कांदिवली से फट से मेरे को चेंबूर मिली। अभी चेंबूर में 15 मिनट से रुका हुआ हूँ, देखते हैं कहाँ की आती है, बताएंगे आपको। वीडियो को पूरी देखो, स्किप मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने नहीं किया, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिले। ये देखो चेंबूर का भी थोड़ा सा देख लो आप लोग, ये HDFC बैंक है यहाँ पे। सर देखो आप लोग, ये पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ मैं, और है ना ये इंटरसिटी बुकिंग लेके आया हूँ रसायनी में, ये NISM करके एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ये मैं गाइज लेके आया हूँ थाने से दिखाया मेरे को रसायनी, मैंने ले लिया। अब मुझे क्या पता ये इतना डेंजर रास्ता है क्या, पूरा रास्ता टूटा हुआ भी है और खड्डे खुड्डे, और ये कम से कम मैंने तो ये छोटा सा रास्ता 15 मिनट लग रहा है यहाँ से ओल्ड पुणे हाईवे पे पहुँचने के लिए बराबर। और देखो काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक ठाक ही हो गया, अभी देखेंगे यहाँ से कोई बुकिंग लगेगी नहीं लगेगी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बहुत डेंजर रास्ता है, मेरी तो हवा भी ख़राब हो रही है, लेकिन छोड़ो ना, इतना डर के थोड़ी ना जीने का अपने को। देखो इधर है ना हिरानंदानी भी है, दूर पे दूर से हिरानंदानी भी दिख रहा है यहाँ से। ये तो भाई कोई नया आदमी आएगा ना, कोई भी ऐसा इसको गांव साइड में रहने की आदत नहीं है, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, उसकी हालत हो जाएगी, डरने लगेगा, बट अपने को थोड़ी डरने का है। ये देखो रास्ता कैसा है, पूरा गांव का रास्ता है, डेंजरस है। देखो ये हिरानंदानी भी है उधर दूर पे। ठीक है गाइस, ऊपर में जो है ना अपनी अर्निंग हो गई है। ऊबर में अपनी इतनी अर्निंग हो गई है, ओला में भी 770 हुआ है। ठीक है चलो, अभी यहाँ से आगे थोड़ा निकल के जाता हूँ क्योंकि अपनी हो रही हालत ख़राब। ठीक है, मतलब थोड़ा संभल के तो जाना पड़ेगा ना, डर रहे नहीं तो क्या हो गया, संभल के तो जाना पड़ेगा गाइस। लेकिन ठीक है, अभी मिलता हूँ मैं थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को, यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ या कोई बुकिंग ले लेता हूँ पहले। सो गाइस, आज है ना मतलब तुम्हारे भाई की बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई है, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हुए हैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करने का, जो भी मिला है उसके ऊपर ऊपर वाले का शुक्र अदा करना ही चाहिए हर इंसान को गाइस। और मैं ना अभी मतलब खाना पीना खा के एकदम फिट हो गया हूँ और आप लोगों को दे रहा हूँ अपडेट, क्योंकि रसायनी में था, मैंने आप लोगों को बताया रसायनी से यहाँ पे आने में 1 आवर 45 मिनट। ओए बेटे काई को चिल्ला रही, देखो बहुत चिल्लाती है बाबा, ये काई को चिल्ला रही हो यार, चुप हो जाओ, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, जब भी वीडियो बनाता हूँ ना गाइस ऐसी चिल्लाने लगती है, इसको मैं अपने पास से भगाना पड़ता है, नहीं तो बात भी नहीं करने देती, इतना चिल्लाती है बहुत। और आज की जो अपनी अर्निंग हुई ना गाइस वो हुई है 3194 की, पकड़ के चलो आप लोग 3100 की आज की मेरी अर्निंग हुई है। अपना जो टारगेट रहता है वो हमेशा 4000 तो रहता ही है, कि 4000 का काम अपना हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 2-4 दिन से कुछ मामला अच्छा नहीं चल रहा है, स्लो है मार्केट और इंटरसिटी कम लग रही है, जिसकी वजह से अर्निंग अपनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, बट ठीक है जो भी है। और ये बहुत डेंजर रास्ता था, NISM ऐसे कुछ करके इंस्टीट्यूट था रसायनी में, जो लोधा के भी थोड़ा सा हाईवे के उधर था, बहुत डेंजर रास्ता था ये, बहुत छोटा रास्ता था, एक ही गाड़ी का निकलने का रास्ता था, बट ठीक है ज़्यादा गाड़ी आने जाने की वजह से वहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं। और तो आज
दिन भर में जो भी शेड्यूल था, जितना भी बुकिंग लगी वो सब आप लोगों को बताया। और चेंबूर में आज एक घंटे के बाद बुकिंग लगी, एक सवा घंटे वहाँ पे से मैं बैठा था वहाँ पे, उसके बाद बुकिंग लगी है। चेंबूर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, शाम में भी कुछ लोग बोलते हैं कि शाम को वहाँ पे 5 बजे के बाद बुकिंग मिलना हो जाती है बंद। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से बुकिंग उठाएं। एक्चुअली आपके पास जब भी बुकिंग आती है तो नेक्स्ट उस पे ड्रॉप लोकेशन पे ये देखने का कि वहाँ से भी अपने को धंधा मिलेगा या नहीं, ये सोच के बुकिंग उठाओ। मैं यही सोच के बुकिंग उठाता हूँ कि जब जहाँ की बुकिंग आ रही है वहाँ से भी अपने को फिर बुकिंग आएगी, मिलेगी या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप आँख बंद करके अंधेरे की तरह बुकिंग उठा लो और फिर वहाँ चले जाओ तो वहाँ पर बुकिंग नहीं मिलती है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो। लेकिन नहीं मिलती, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, मिस भी हो सकता है। ऐसा ये 100% नहीं है कि मिस नहीं होता है, मिस भी हो जाता है। तो उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, ठीक है। और थोड़ा गाड़ी है ना, कभी कभी अपन एक जगह पे बैठ के जाम हो जाते हैं, बराबर एक जगह पे बैठ के जाम हो जाएंगे, फिर बाद में बुकिंग नहीं आती। तो क्या करने का, आप लोग जगह छोड़ देने का, जगह छोड़ देने का। कभी कभी नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा बुकिंग या अटक जाती है जो नहीं आ पाती, थोड़ा जगह छोड़ के जैसे ही आगे बढ़ेंगे तुरंत आपको बुकिंग आ जाएगी। तो इस बात का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखो। और मैं मिलता हूँ अभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आज की कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिले।